हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग स्टूडेंट. इट इज़ योर लास्ट टेस्ट इन द सेंस, अभी जो टेस्ट आपके चल रहे थे उसमें ये लास्ट टेस्ट है जितना कोर्स करा दिया गया है. आफ्टर दैट वी विल गो अहेड. ये टेस्ट, इस टेस्ट के बाद हम लोग अपना कोर्स आगे चलाएंगे. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर टेस्ट पेपर. क्वेश्चन नंबर 1, री राइट ईच सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन बोल्ड टाइप बाई अ सिंगल वर्ब गिवेन बिलो. आपको जो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं. आपको ऊपर लिखा हुआ है बोल्ड टाइप. बोल्ड टाइप यानी ये लेटर्स, वर्ड्स मोटे लेटर्स में लिखे होते हैं, बट हमने यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड्स को. तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट यू विल राइट द आंसर फॉर दीज वर्ड्स. आपको इन जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके लिए करेक्ट आंसर लिखना है. एंड यू विल डू इन द सेम वे इन योर नोटबुक. आपको इसी तरह से करना है. फर्स्ट यू विल राइट द सेंटेंस, देन यू विल अंडरलाइन दीज वर्ड्स, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट आंसर बिलो. उसके नीचे आपको आंसर लिखना है जैसे आप क्वेश्चन आंसर करते हैं. तो ए नंबर, बियर्स पास द विंटर इन स्लीप. Pass the winter in sleep. You will underline these words, and after that you will write the correct answer. B number, we kept waving till the train went out of the sight. C number, all of us tried to help him with his luggage. And D number, the old woman cried loudly. सेकेंड नंबर, मैच द एनिमल्स एंड बर्ड्स विद देयर क्राइज. इसमें एनिमल्स और बर्ड्स को उनकी आवाज़ों से मैच करना है. And you will write the correct answer in front of the word. You will not draw the line. So monkeys, snakes, vultures, elephants, doves and sparrows, and sounds are trumpet, chirp, chatter, hiss, scream and coo. क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ इरेगुलर वर्ब्स. आपको इसमें इरेगुलर वर्ब्स की टेबल को कंप्लीट करना है. मीन्स यू विल राइट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स एज गो, वेंट, गॉन. गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म गॉन. इन दिस वे यू विल कम्प्लीट दिस टेबल. डू डैश डैश, रिंग डैश डैश, कट डैश डैश. ओके. एंड फोर नंबर, यूज हैज और हैव अलॉन्ग विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स टू चेंज द सेंटेंसेस. There are some sentences, incomplete sentences, and there are the verbs in the brackets. Bracket में आपको verb दिए हुए हैं. आपको subject के according has और have को choose करना है, और verb का third form यानी past participle आपको लिखना है. I am giving just an example. He has gone to the market. He singular number है, इसलिए हमने उसके साथ has को use किया हुआ है. और गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, पास्ट पार्टिसिपल. सो ही हैज़ गॉन टू द मार्केट. इन द सेम वे यू विल डू दीज टू सेंटेंसेस. शी डैश डैश द बेल, द वर्ब इज रिंग. एंड बी, आई डैश डैश ऑल द वर्क बाई माई सेल्फ, द वर्ब इज डू. इन दिस वे यू विल कम्प्लीट योर टेस्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.